तो सीट है हमारे आपको फोर वे में एडजस्टेबल मिल जाएगी, आगे पीछे रिक्लाइन डिक्लाइन। 32 लीटर पेट्रोल के अंदर हमारी इसकी टैंक की कैपेसिटी रहेगी, 3 बंदे पीछे आसानी से बैठ सकते हैं, अच्छा सारा स्पेस आपको मिल जाता है इसके अंदर। नमस्कार दोस्तों, आज फिर हमारी एक और नई गाड़ी का रिव्यू लेकर, गाड़ी हमारे पास मारुति सुजुकी की सिलेरियो है, VXI मॉडल है, AMT के अंदर है, ऑटोमेटिक के अंदर है। पहले हमने इस गाड़ी का ऑटोमेटिक के अंदर कभी भी आपको रिव्यू नहीं किया, फर्स्ट बार इस गाड़ी का हम आपको ऑटोमेटिक के अंदर रिव्यू करने जा रहे हैं। हमारे चैनल पर भी ये पहली वीडियो मिलेगी आपको सिलेरियो की जो ऑटोमेटिक के अंदर है फिलहाल ये, और गाड़ी का ना प्रॉपर आपको बताएंगे भी क्या क्या आपको इसके अंदर मिल जाएगा। 1000 CC के अंदर ये आती है, वो पावर टोरक माइलेज क्या कुछ आपको देने वाली, कितना इसका प्राइस होने वाला है, डिटेल से सारा आपको बताएंगे। प्रॉपर आप वीडियो में बने रहना, सारी इसकी डिटेल बताएंगे क्या क्या और कितने रुपए में गाड़ी आपको मिलने वाली, क्या एवरेज मिलने वाले गाड़ी। फ्रंट में स्टार्ट कर लेते हैं, हमारे को यहाँ पर सुजुकी का लोगो मिल जाता है, यहाँ पे एक ग्रिल रहेगी, यहाँ पे अलग से एक क्रोम का स्टफ मिल जाएगा, ऊपर बोनट रहेगा, 2 वाइपर मिल जाते हैं। फ्रंट में हमारे को ना ब्लैक के अंदर ये बम्पर मिल जाता है, फोग लैंप आपको यहाँ पे नहीं मिलते हैं, सिंपल हमारी हाइलोजन लाइट मिल जाती है, टर्न इंडिकेटर के साथ में रहेंगे, इधर से हमारा टर्न इंडिकेटर मिल जाएगा, और बॉडी कलर के हमारे को आउटसाइड के मिरर मिल जाते हैं, स्टील व्हील मिल जाते हैं, व्हील कवर के साथ में रहेंगे, ऊपर ये व्हील कवर हमारा इसका मिल जाता है। जो हमारा टायर साइज है वो आपको 14 इंची टायर साइज मिल जाएगा, 165/70R 14 इंची टायर साइज मिल जाता है। ग्राउंड स्पेस काफी अच्छा रहेगा इसका। बॉडी कलर के आपको हैंडल मिल जाते हैं, बीच में ना ये पैनल आपका बिल्कुल व्हाइट रहेगा, ऊपर आपको एंटीना मिल जाता है लंबा सारा, सारा फैन एंटीना नहीं रहेगा। फ्रंट के ब्रेक डिस्क के अंदर थे, बैक वाले ब्रेक हमारे ड्रम के अंदर है, बैक में हाई स्टॉप लैंप मिल जाता है, पीछे प्लेन के अंदर हमारा पीछे का ग्लास रहेगा, सुजुकी का लोगो मिल जाता है, यहाँ से हम इसका ना बूट ओपन कर सकते हैं। इधर से सिलेरियो की बैजिंग मिल जाएगी, टेल लाइट टर्न इंडिकेटर के साथ में आपको मिल जाती है। 32 लीटर पेट्रोल के अंदर हमारी इसकी टैंक की कैपेसिटी रहेगी, रिफ्लेक्टर रहेंगे, 2 आपको इसके अंदर पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, नीचे हमारा एडजस्ट पाइप और 2 के लिए एक ऑप्शन मिल जाता है। बूट ओपन करके एक बार आपको दिखाते हैं, 313 लीटर का काफी बड़ा और अच्छा हमारे को यहाँ पर बूट स्पेस मिल जाता है, विद पार्सल ट्रे के साथ में, जो इसकी एक्सेसरी वगैरह ना म्यूजिक सिस्टम इसमें लगा है वो इसका सामान रखा है यहाँ पे। नीचे हमारा स्पेयर व्हील रहेगा, टूल किट के साथ में आपको मिल जाता है। इधर हमारी के अंदर हमारे को भी बूट लाइट इसमें नहीं मिलती, पार्सल ट्रे तो मिल जाती है साथ में। सिंपल हमारे को ना गाड़ी की 2 की मिल जाती है, सेंट्रल लॉकिंग वगैरह का कोई ऑप्शन आपको इसमें नहीं मिलता है, सिंपल इस पे कोई बटन नहीं रहेगा। यहाँ पे जो इसका कंपनी का लोगो भी है ना वो भी ब्लैक के अंदर आपको मिल जाएगा, जो प्लेन की रहती है वो मिलेगी। एक बार अंदर का इंटीरियर आपको दिखा, ड्राइवर साइड वाली विंडो है, सिल्वर का स्टफ मिल जाएगा, पूरा का पूरा जो विंडो हमारा ब्लैक के अंदर रहेगा, नीचे बोतल के लिए स्पेस, अखबार के लिए, और स्पीकर यहाँ पे मिल जाते हैं। ऑटोमेटिक के अंदर हमारी गाड़ी है, 2 पेडल आपको मिल जाएंगे, यहाँ से बोनट ओपन कर सकते हैं, फ्रंट का जो फ्रंट की हेडलाइट है उनको यहाँ से एडजस्ट कर, फ्यूल एफिशिएंसी का बटन मिल जाएगा, और यहाँ पे जो आउटसाइड के मिरर है ना इधर से आप इनको लेफ्ट और राइट को यहाँ से एडजस्ट इनसे कर सकते हैं। ऑटोमेटिक के अंदर रहेंगे, एरोप्लेन से इंस्पायर होकर ना यहाँ पे जो एसी के वेंट है वो दे रखे, ऊपर आपको सिल्वर का स्टफ मिल जाएगा। जो सीट है हमारे आपको फोर वे में एडजस्टेबल मिल जाएगी, आगे पीछे रिक्लाइन डिक्लाइन, इधर टायर प्रेशर रहेगा, ऐसा इसका स्टेयरिंग मिल जाएगा, स्टेयरिंग के ऊपर एक एयर बैग यहाँ पे रहेगा और एक एयर बैग आपका यहाँ मिल जाता है, हॉर्न रहेगा स्टेयरिंग के ऊपर। अभी गाड़ी की बैटरी ना फिलहाल लो है अभी, इसलिए हॉर्न नहीं बज रहा है इसका। जो स्टेयरिंग है हमारा वो भी आपको फिक्स मिल जाएगा, टिल्ट वगैरह नहीं रहेगा, वाइपर के कंट्रोल है, इधर लाइट का कंट्रोल मिल जाएगा इसका, ऐसा हमारा इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा, 180 की स्पीड है गाड़ी की। यहाँ पे ना छोटा सा ये डिजिटल के अंदर रहेगा, इसके अंदर जो गाड़ी का हमारा मोड है ना वो दिखाई देगा, अभी आपकी गाड़ी किस मोड पे चल रहे हैं, आप को रिवर्स पे कर रहे हो, न्यूट्रल मोड पे कर रहे हैं, मैनुअल आपको ड्राइव कर रहे हैं, वो सारा इसके अंदर आपको मेंशन यहाँ पे हो जाता है। म्यूजिक सिस्टम आपको इसके अंदर टच स्क्रीन वाला नहीं मिलता, ये कंपनी फिटेड नहीं है, ये अलग से म्यूजिक लगाया हुआ है कंपनी ने, ये आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में पायनियर का म्यूजिक सिस्टम इसमें लगा रखा है। एसी के देखिए ये वेंट आपको अलग से मिल जाते हैं, ये डिजाइन सा मेरे को ना अलग लगा, से यूनिक सा डिजाइन है यार एसी के वेंट का। विंडो को यहीं से आप डाउन कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, गाड़ी को भी यहाँ से लॉक अनलॉक हम कर सकते हैं। एसी का कंट्रोल मिल जाता है, सिंपल हमारा एसी रहेगा, इधर से इसकी फैन स्पीड मिल जाएगी, एयर डायरेक्शन है, टेम्परेचर है गाड़ी का, यहाँ से एसी को ऑन ऑफ कर सकते हैं। नीचे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, फोन के लिए स्पेस, 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, और गियर बॉक्स हमारा इसका सिंपल सा यूनिक सा रहेगा, देखिए इधर सिल्वर का स्टफ मिल जाएगा, छोटा सा गियर रहेगा, आप इसको मैनुअल भी ड्राइव कर सकते हो और यहाँ पे इसको ऑटोमेटिक पे भी छोड़ सकते हो, इधर रिवर्स न्यूट्रल और ये MD इसका मैनुअल ड्राइव का मोड है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग ड्राइव कर सकते हो मैनुअल भी। ग्लू बॉक्स रहेगा इसका, ऐसा कुछ स्पेस मिल जाएगा, और इधर वाली ये विंडो रहेगी, ऊपर हमारे को हैंडल बार मिल जाता है, इधर वेंटी के अंदर आपको मिरर मिल जाएगा, पीछे वाला हमारा डे नाइट व्यू मिरर है, एडजस्टेबल मिल जाता है इधर से, ऊपर हमारी ये लाइट रहेगी, सनवाइजर मिल जाता है। ये इस गाड़ी का फ्रंट का इंटीरियर और बैक का इंटीरियर वो एक बार आपको दिखा देते हैं। बीच में ना आपको ये हैंड ब्रेक मिल जाएगा, और ये बैक वाली जो विंडो हमारी ये भी पावर में मिल जाती है, चारों विंडो पावर के अंदर मिल जाती है। चेंजर साइड वाली विंडो रहेगी,
बोतल के लिए स्पेस है, स्पीकर मिल जाते हैं, लेग रूम स्पेस काफी अच्छा मिल जाएगा, सीटों के पीछे आपको पॉकेट नहीं मिलेगी, सभी हेडरेस्ट हमारे फिक्स रहेंगे इसके अंदर, सिंपल फैब्रिक अपोस्टी हमारे को सीट कवर मिल जाते हैं, लेग रूम स्पेस सही मिल जाता है आपको, बीच में पैनल है ना जो सिंपल रहेगा, बस आपको कंट्रोल मिल जाएंगे विंडो के ऊपर, आपको हैंडल बार मिल जाता है, प्लेन के अंदर हमारी गाड़ी की रूफ रहेगी, तीन बंदे पीछे आसानी से बैठ सकते हैं, अच्छा सारा स्पेस आपको मिल जाता है इसके अंदर। एक बार ना गाड़ी का इंजन दिखाते हैं आप, यहाँ से करेंगे गाड़ी का बोनट ओपन। ये रहेगा हमारा पेट्रोल इंजन 3 सिलेंडर जो हमारे को पावर देता है 65 की और टोरक देता है 89 की। पेट्रोल के अंदर ये गाड़ी रहेगी, इधर बैटरी मिल जाती है, ऊपर एयर फिल्टर रहेगा, ये गेज रहेगा, इधर से सर्विस कर सकते हैं, वाइपर में पानी डालने के लिए रेडिएटर, ऐसी इसकी इंजन की आपको फिटिंग मिल जाएगी। गाड़ी की ना माइलेज की बात करते तो एरिया के अंदर हमारे को 26.5 की ये गाड़ी एवरेज कंपनी क्लेम करती है, वही आपको ऑटोमेटिक के अंदर मिल जाएगी। सिटी के अंदर आपको 19.2 की इसकी माइलेज मिल जाती है। पेट्रोल के अंदर हमारी गाड़ी है 1003 सिलेंडर व्हीकल है हमारा, ये बॉडी टाइप इसकी हैचबैक रहेगी, और जो गाड़ी का प्राइस है ना 6,38,000 रुपए में एक्स शोरूम इसका ये प्राइस रहेगा। आपको गाड़ी का रिव्यू कैसा लगा, गाड़ी कैसी लगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और नेक्स्ट आप गाड़ी का रिव्यू चाहते हो वो भी हमारे को कमेंट्स में जरूर लिखना। हम मिलते हैं यार किसी नई गाड़ी का रिव्यू लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।